Join your hands and close your eyes. सही राम। अगला पाठ है हमारा अकबरी लोटा। अकबरी लोटा से क्या तात्पर्य हो सकता है? अकबर का लोटा, अकबर के काल का लोटा। अकबर कौन एक थे? राजा थे मैम, मैम वो लोटा बहुत ही खास होगा। खास होगा क्या? वाकई खास होगा या कोई भी ऐतिहासिक चीज जिसके लिए लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं? किसी ने कुछ कहा और हमने सोचा कि काश ये मेरे पास होता। क्या ये जुनून जो है, जो पागलपन है, ये वाकई काबिले तारीफ है क्या? चलो एक वीडियो देखते हैं। हो सकता टाटा क्लासेज का एक वीडियो पहले देख लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं, तो आपको और भी मजा आएगा। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस ओके। मैम। अकबरी लोटा, लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा। यह लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा की एक व्यंग्य रचना है। इसमें दो मित्रों की सच्ची मित्रता और एक अंग्रेज अफसर की मूर्खता के बारे में बताया गया है। लाला झाऊलाल खाते पीते परिवार के स्वाभिमानी व्यक्ति थे। काशी के खटेरी बाजार में उनका मकान था। अपने मकान के नीचे बनी दुकानों से 100 रुपए मासिक किराया कमाते थे, जो ज्यादातर उनके अच्छे खाने पीने और पहनने में खर्च हो जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने 250 रुपए की मांग की। पत्नी के अचानक इतने रुपए मांगने पर लाला जी हैरान हो गए और उनका दिल बैठ गया। यह भागते हुए उनकी पत्नी ने अपने भाई से रुपए लेने की बात कही। इस बात से लाला झाऊलाल तिलमिला गए और रौब के साथ उन्होंने अपनी पत्नी को 1 हफ्ते के अंदर पैसे देने का वादा किया। लोगों के बीच डींगे हांकने वाले लाला जी के स्वाभिमान पे बात आ बन पड़ी थी, लेकिन इस घटना में हुए 4 दिन बीत जाने पर भी वह रुपयों का प्रबंध नहीं कर पाए थे। पर यह उनकी बीवी के सामने उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। रुपये न देने पर उनकी सास गिर जाती। 5वें दिन उन्होंने यह बात अपने मित्र पंडित दिलवासी मिश्र को बताई। पंडित जी के पास भी रुपए नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा कि वो कैसे भी मांग जांच कर पैसे लाने की कोशिश करेंगे और उनसे उनके मकान पर दूसरे दिन आकर मिलेंगे। दूसरे दिन लाला जी परेशान होकर छत पर टहल रहे थे कि अगर आज रुपए नहीं मिले तो वो पत्नी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तभी उन्हें प्यास लगी तो नौकर को पानी के लिए आवाज लगाई। नौकर नहीं था तो उनकी पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वह ग्लास भूल गई और लोटे में पानी ले आई। लोटा बदसूरत और आड़ा टेढ़ा था और लाला जी को बिल्कुल पसंद न था, पर पत्नी से उस बात पर बहस करके उसका नतीजा भुगतने का साहस अभी उनमें न था। वो अपना गुस्सा दबाकर पानी पीने लगे। 2-4 घूंट पिया ही था कि लोटा उनके हाथ से छूट गया और तेज गति से गिरता हुआ अंग्रेज को नहलाकर उसके पैरों में जोर से गिरा, जिससे अंग्रेज के अंगूठे पर चोट आ गई। लाला जी के हाथ पांव फूल गए और वो नीचे भागे। उनके आंगन में भीड़ जमा हो गई और अंग्रेज गुस्से से लाला जी को अंग्रेजी में गाली देने लगा। भीड़ को अलग करते हुए बिलवासी मिश्रा लाला जी के घर के आंगन में पहुंचे और उन्होंने अंग्रेज को छोड़कर बाकी भीड़ को भगाया।
और मौके का फायदा उठाते हुए एक चाल चली। उन्होंने अंग्रेज को विनम्रता से एक कुर्सी पर बैठाया और अंग्रेज के पूछने पर कि वो लाला जी को जानते हैं या नहीं, उन्होंने लाला जी को पहचानने से इनकार कर दिया। पंडित जी ने लाला जी को पुलिस से पकड़वाने का सुझाव दिया और लाला जी से लोटा 50 रुपए में खुद खरीदने की बात कही। लोटा खरीदने की बात सुनकर अंग्रेज हैरान हुआ तो पंडित जी ने उस लोटे को ऐतिहासिक बताया और कहा कि वह अकबरी लोटा है जिसकी तलाश दुनिया भर के म्यूजियम को है। उन्होंने बताया कि 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारने के बाद रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था, तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई थी। अकबर ने ब्राह्मण का पता लगाकर उसे 10 सोने के लोटे दिए और यह लोटा उनसे ले लिया। यह लोटा उन्हें बहुत प्यारा था, इसलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। बाद में वह लोटा गायब हो गया और पता नहीं कैसे लाला जी के पास आया। अंग्रेज को पुरानी चीजों को संग्रह करने का शौक था, इसलिए उसने उस लोटे को 100 रुपए में खरीदने की बात कही, जिस पर पंडित जी ने एतराज जताया और उनके बीच लोटे के लिए बोली लगने लगी। जब पंडित जी ने 250 रुपए रखकर ताव दिखाया तब अंग्रेज ने जोश में आते हुए 500 रुपए देने की बात कही, जिसपे पंडित जी ने कहा, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, ये लोटा आपका हुआ। तब अंग्रेज ने बताया कि वह अपने पड़ोसी मेजर डगलस को यह लोटा ले जाकर दिखाएगा, जो दिल्ली में एक मुसलमान से जहांगीरी अंडा ले गया था। अतः वह डगलस से एक पुश्त आगे की वस्तु ले जा रहा है। दरअसल दोनों ही अंग्रेज थक गए थे, लेकिन उन्हें इस ठगी का पता ही नहीं था। अंग्रेज के जाने के बाद लाला जी की खुशी का ठिकाना न था। बिलवासी मिश्रा ने लाला को रुपए संभाल कर रखने को कहा और वह भी अपने घर चल दिए। पंडित जी जब अपने घर गए तब उन्हें नींद नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने अपनी सोई पत्नी के गले की चेन से संदूक की चाबी निकाली और वापस 250 रुपए रख दिए, जो उन्होंने इसी तरह लाला जी को देने के लिए चोरी छुपे निकाले थे। अब पैसे वापस होने पर उन्हें चैन की नींद आई। कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी है। परेशानी के समय में परेशान न होकर समझदारी से किस तरह से एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजर जाता है। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह मुहावरों का प्रयोग किया है। मुहावरे अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं, जिससे वाक्य में विशेषता आती है। चलो पाठ में आए कुछ मुहावरे देखें। चैन की नींद सोना कहानी समझ में आई अध्याशा? यस मैम। समझ में आ गई कहानी? यस मैम। ओके गुड। अक्षर? हाँ, किन चीजों के बारे में बताया गया इस कहानी में? अक्षर, कहानी में किस चीज के बारे में बताया गया? मैम एक लोटा और मैम एक दोस्त की समझदारी, जो उसने चोरी छुपे उनके पैसे लिए थे अपने दोस्त के और वो उसको मुनाफे में दे दिए। अक्षर, अक्षय क्लास में हैं आप? आपकी वाद विवाद गतिविधि भी बाकी है?
क्या समझ में आया कहानी में? कोई रिस्पॉन्स नहीं है अक्षय? बोलो बेटा, आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। अक्षिता मैम, इस कहानी में बताया गया कि उस उन पंडित जी की चतुराई और समझदारी की, जिस स्थिति में वो थे कि जो उनके दोस्त के पास पैसे नहीं रखने के लिए, पर उनकी समझदारी की वजह से उन्होंने पैसे दिलवा दिए। देवा कुछ ऐड करना है? यस मैम। आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम, कि जैसे पंडित जी ने चतुराई से उसे पैसे डलवा दिए थे और वो अंग्रेज को बुद्धू बना दिया था, वैसे ही वो बुद्धू बना दिया था। क्या कहकर बुद्धू बना दिया था? मैम कि अकबर के जमाने का लोटा है। तो वो इतना पागल क्यों हो रहा था अकबरी लोटा खरीदने के लिए? क्या जरूर वो वाकई ऐसा था? मैम उसे पुरानी चीजें रखने का शौक था और वो उसके झांसे में आ गया था। ओके, खुशी। यस मैम। ये शौक हमें कब भारी पड़ते हैं? मैम क्या सुनाई नहीं दिया मैम, आप फिर से बोल सकती हैं? ये जो शौक है पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक, या किसी और चीज का शौक, या ऐतिहासिक चीजों को पाने का शौक, ये शौक हमें कब भारी पड़ते हैं, कब महंगे पड़ते हैं, कब इनसे हम परेशान? मैम जब हम समझदारी से काम नहीं लेते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। गुड मोनिका, आपके हिसाब से? यस मैम, जब हम मतलब समझदारी से काम नहीं लेते और किसी के भी बहकाव में आ जाते हैं। यस राधिका। मैम जब हमें उस चीज का एकदम भूत सा चढ़ जाता है सर पे कि हमें तो लेना ही है, हमें दूसरों को दिखाना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना पैसा है हमारे पास। मैम उस चीज को पाने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, वो हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। क्या हम सोचते हैं? नो मैम, हम जोश जोश में ले लेते हैं। पार्थ आपके क्या विचार हैं? यस मैम। ऐसे जोश जोश में किसी सामान को खरीद लेना बिना सोचे समझे क्या उचित है? नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि अगर मैम बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेंगे तो मैम वो भारी पड़ जाता है कई बार। तनिषा। यस बेटा। मैम कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, हमेशा सहज रहना चाहिए। ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। उदित। उदित आप हो क्लास में बेटा? विवेक। क्लास में एब्सेंट है। ओके नंदिनी। मैम हमें हमारी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, कुछ भी चीज लेने से पहले सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए जरूरी है या नहीं। हमारे लिए जरूरी है या नहीं, कई बार जोश जोश में आकर होता क्या है कि हम कोई ऐसी चीज ले लेते हैं जिसका बाद में कोई उपयोग नहीं होता, उपयोगिता ही नहीं रहती है। तो इसलिए सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस तरीके का पागलपन या जुनून रखते हैं वो लोग अक्सर ही धोखे में आ जाते हैं और लोगों की बातों में फंसकर अपना नुकसान कर बैठते हैं, जैसा कि इस कहानी में अंग्रेज ने किया। अच्छा बिलवासी जी जो थे
वो अपनी मित्र की मदद कर रहे थे, इस कहानी में बताया उन्होंने कैसे की थी कोशिश, कैसे की थी मदद करने की, जिसने नहीं बोला है रंजन, उन्होंने क्या तरीका अपनाया था, क्या कोशिश की थी उन्होंने मित्र की मदद करने के लिए? मैम उसने मैम एक अंग्रेज की वजह मदद से अपने दोस्त की मदद की थी। ओके, रेहान और कोई तरीका था? मैम उन्होंने जब अंग्रेज के ऊपर लोटा गिरा था, मैम उन्होंने उसको पुलिस के पास जाने से बचा लिया था। और किसी ने कुछ देखा क्या कहानी में श्रेयांश, और किस तरीके से वो अपने मित्र की मदद करना चाहते थे, अगर ध्यान से कहानी देखी हो तो? मैम जब उसने लोटा देखा तो उसने सोचा कि इससे कुछ किया जाए, तो फिर उसको उसको पता चला कि ये सामने तो अंग्रेज है, ये इतना ये जानता नहीं होगा, तो उसने टूटा फूटा लोटा दिया, और अंग्रेज ने समझा कि ये बहुत पुराना लोटा और उसको बेवकूफ बना के बेच दिया। और कोई इससे अलग हटकर? मैम उन्होंने अपनी पत्नी के उस संदूक से पैसे लिए थे अपने दोस्त को देने के लिए। आद्याशा मैम उसने झूठ बोल के एक तो उसके दोस्त को अंग्रेज से बचाया कि ये अकबरी लौटा करके, और उसे पैसे भी मिल गए। एक्स्ट्रा भी मिल गया। अक्षिता वेरी गुड बेटा, आद्याशा गुड, ठीक है। तो उसने कैसे मदद की, अपनी पत्नी के संदूक से चोरी छुपे पैसे निकाले। कई बार ये काम हम भी करते हैं, कई बार हम भी पेरेंट्स को बताए बिना यह काम करते हैं। अब जो उन्होंने यह कार्य किया, अपनी पत्नी को नहीं बताया कि उसके संदूक से वो पैसे ले रहे हैं, क्या यह कार्य उसके द्वारा किया जाना, विलवासी मिश्र के द्वारा किया जाना उचित था या उचित कहा जा सकता है? मित्र की मदद के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी धोखा दे दिया, क्या ये उचित था? नो मैम, मैम उचित नहीं था, वो चाहे तो उनसे पूछ के बात करके भी दिला सकते थे पैसे। वेरी गुड, खुशी मैम वही सेम। मोनिका कुछ और ऐड करना है? मैम वही सेम, वो बातचीत करके भी दे सकते थे। अगर हम सामने बैठकर किसी से अपनी बातों को मनवाने के लिए सही तरीका अपना लेंगे, तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि सामने वाला हमारी बात को समझे ना। जब आपके साथ में कुछ परेशानियां आती हैं और आप अपने पेरेंट्स को बताने से डरते हैं या अपने टीचर्स को बताने से डरते हैं, तो आप गलत होते हैं। हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हम खुलकर बात करें उस विषय में जो हमने पहले से सोच रखा है ना। कई बार वह सारी चीजें गलत हो जाती है, इसलिए एक प्रयास तो बनता है कहीं के लिए भी, कुछ भी करने के लिए एक प्रयास बनता है, कोशिश बनती है कि अपनों को बता दिया जाए। वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे, पर यदि आपने सही तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत किया है तो कोई भी मना नहीं करेगा। तो बिलवासी मिश्र जी भी यदि चाहते तो अपनी पत्नी के सामने बैठ जाते, उनको सारी बातें बताते और अपनी परेशानी का हल ढूंढने में मदद ले लेते या उससे मांग ही लेते, है ना। तो ये अकबरी लोटा ऐसी ही कहानी, मजेदार है लेकिन ये हमको सबक भी सिखाती है। कहानी तो आपने देख ली। अब इसमें है लाला झाऊलाल और एक बिलवासी मिश्र, ये दो कैरेक्टर्स मेन है। बस इसके बाद अंग्रेज जुड़ जाता है और लाला झाऊलाल जी की पत्नी है। अब लाला झाऊलाल कैसे व्यक्ति हैं, इस कहानी के हिसाब से बड़े ही कंजूस किस्म के व्यक्ति हैं, रौबदार हैं लेकिन कंजूस हैं, किसी को अपना पैसा देना नहीं चाहते, और यह बात उनकी पत्नी बहुत अच्छे से जानती थी। उनको पता था कि झाऊलाल उनको पैसे मांगने पर भी नहीं देंगे।
खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार क्या होता है? ठठेरी मतलब मैम बर्तन। यस वेरी गुड। ठठेरा जो होता है वो बर्तन बनाने वाले को बोला जाता है। ठठेरी यानी बर्तन जहाँ बनाए जाते वैसा बाजार। ठठेरी बाजार जहाँ बर्तन बनाए जाते हैं। नीचे की दुकानों में से 100 रुपए मासिक के करीब किराया आ जाता था। अच्छा खाते अच्छा पहनते पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। आंख सेकना सेकने के लिए नहीं मिलना, आंख सेकना किसे कहते हैं? आंख सेकने का मतलब है आंखों को तृप्त करना। कुछ चीजों को हम देखकर ही खुश हो जाते हैं ना, जैसे बहुत सारी चीजों को हम पा नहीं सकते। मान लीजिए एक बड़ा सा डायमंड रखा है जिसको आप खरीद नहीं सकते, पर क्योंकि वो एग्जीबिशन में रखा हुआ है, प्रदर्शनी में रखा हुआ है, आप देखकर उसका मजा ले सकते हैं, अपने आप को शांत कर सकते हैं। ये है आंखों को सेकना, दूर से ही उसको फील कर लेना, इसको बोलते हैं आंखों को सेकना। तो 100 रुपए तो वो ले लेते थे, 100 रुपए तो उनके हाथ में हर महीने आ जाते थे आराम से, लेकिन 250 रुपए बहुत बड़ी चीज थी और उन्होंने 250 रुपए एक साथ देखे भी नहीं थे। इसलिए उनकी पत्नी ने जब 250 रुपए की मांग की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। जी बैठ जाना मतलब उदासी छा जाना, निराशा का जो भाव है वह आना। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। अब जब हम किसी को ऐसे कमेंट करते हैं ना, टॉन्ट कसना जिसको बोलते हो आप लोग, टॉन्टिंग करते हैं, व्यंग करते हैं, तो क्या होता है, सामने वाला तैश में आ जाता है। ऐसा ही हुआ झावलाल की पत्नी ने जब उनसे यह कहा कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो उन्होंने उसको देखा, देखने से ही वो समझ गई कि इनके बस की बात नहीं है। तो बोलते ठीक है, आप नहीं देना चाहते तो मैं अपने घर वालों से मांग लेती हूँ। अब अपने घर वालों से मांगने की बात सुनते ही इनका रवैया बदल गया। क्यों बदल गया, क्यों बदल गया? हम उनके रहते हुए अपने घर वालों से जाके पैसे मांगना, उनको लगा होगा कि मेरे पास भी था। ओके, और कोई? वो बस स्वाभिमानी थे। हाँ? स्वाभिमानी थे बहुत ज्यादा। तनिषा एक बार फिर बोलो बेटा, सॉरी मैम, वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी थे, वेरी गुड। और कोई मैम? प्रतिष्ठा का सवाल था मैम। यस, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। यस, और कोई मैम? अगर उनकी पत्नी उनके भाई से पैसे मांगती तो उनकी मतलब उनके घर घर जाके उनकी नाक कट जाती। हाँ, उनकी नाक कट जाती, उनकी इज्जत का सवाल था। घर वाले पूछते हैं ना कि तेरे घर में इतने भी पैसे नहीं है क्या, तो सवाल जवाब होता, बहुत सारी बातें पूछी जाती, असली चीज बाहर निकल आती, जो बड़ी सी छवि बनाई होगी उन्होंने कि मैं तो ऐसा हूँ मैं तो वैसा हूँ, वो बिल्कुल धराशाही हो जाती। तो इसलिए उन्होंने इस चीज का जैसे ही उसने व्यंग किया कि आपके बस की तो बात नहीं है, आपसे तो मैं मांग नहीं रही, मैं तो अपने घर वालों से ही मांग लूंगी, आप दे नहीं सकते मुझे पता है, तो वैसे ही वो तैश में आके बोलते नहीं नहीं बिल्कुल दूंगा मैं। ठीक है, अब तिल मिला उठे मतलब उनको बहुत क्रोध आ रहा था अचानक ही, जब उसने पत्नी ने उनकी यह बात कही कि मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ पैसे, आपके पास नहीं है, आप दे नहीं सकते हैं। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। अब उन्होंने क्या दिखाया, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, यह कहकर उन्होंने क्या जताया मैम? उनका रौब जताया। और इस रौब के द्वारा वो क्या साबित करना चाहते थे मैम? कि वो भी ज्यादा दे सकते हैं पैसे, उससे भी ज्यादा। हाँ, वो बहुत पैसे वाले हैं, बड़े सेठ हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो तो इतने पैसे आसानी से दे सकते हैं।
तो इस रौब से उन्होंने जो कहा उसका मतलब ये था कि मेरे पास तो बहुत पैसा ही है, क्या बात है, 250 रुपए तो कोई मायने नहीं रखते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? पत्नी को उनकी आदत बहुत अच्छे से पता थी कि ये पैसे देने के नाम पर बहुत ज्यादा टाल मटोल करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम ले लेना इस, तो बोलती है कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अगली जिंदगी का इंतजार नहीं कर सकती। तो उन्होंने तपाक से बोला कि 7 दिन में ले लेना। 7 दिन का मतलब 7 वर्ष से तो नहीं है, मतलब इतना मत लटका देना कि एक लंबा समय बीत जाए और मेरे 250 रुपए जिस काम के लिए मुझे चाहिए वो काम ही ना पूरा हो। लाला झाऊलाल ने रूप के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। ठीक है, अब तो उन्होंने हामी कर दी, लेकिन उन्होंने सोचा था कि 250 रुपये का प्रबंध बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 दिन बीत गए, उनको लगा कि अगर वो आ गई, ऐसे ही 4 दिन बीत गए, अब तो 3 दिन ही है, 7वें दिन तो वो आ ही जाएगी। तो जो मैंने कहानियां बताई हुई है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बहुत अपना बड़बोलापन दिखाया हुआ है, अपनी प्रतिष्ठा का गुणगान किया है, वो सारा का सारा धूल में मिल जाएगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा, खास तौर से अपनी पत्नी को, क्योंकि बड़े रौब से मैंने उसको कहा था कि बड़े आराम से ले लेना, 7वें दिन में तुम्हारे पैसे दे दूंगा। लेकिन अब तो वो सोच रहे थे कि अगर काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। चारों खाने चित्त होना का मतलब क्या है? बुरी तरह हार जाना। हाँ, वेरी गुड, बुरी तरह से हार जाना। तो उन्होंने सोचा कि फिर तो मैं अपने सामने तो क्या, उसके सामने भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा, मेरी बात कहीं नहीं रह पाएगी। फिर मैं लाख समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी मुझे समझेगी नहीं। तो दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर वह उसे क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए वो उस बात को टालना नहीं चाहते थे, बल्कि पूरा करना चाहते थे, क्योंकि इतने समय के जीवन में पत्नी ने कभी मुंह खोलकर, मतलब कभी उनसे कुछ भी मांगा नहीं था। यह जीवन में उसने पहली बार मांग रखी थी, और इस मांग के लिए भी उसने 4 बार उनसे सवाल किया था कि आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो मैं अपने घर वालों से मांग लूंगी। खैर, एक दिन और बीता, यानी 5 दिन बीत गए। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं हमारी मुसीबत में बड़ा सहयोग देते हैं, जो सच्चे दोस्त होते हैं, ठीक है, वरना बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं। तो जब उनसे नहीं रहा गया, अपने दिमाग की जो तनाव को कम करने के लिए उन्होंने अपने मित्र को अपनी सारी बात बता दी और कहा कि अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्या तुम इसके लिए व्यवस्था कर सकते हो? कोई ऐसा काम हो जाए, ऐसी चीज हो जाए जिससे कि मुझे 250 रुपये मिल जाए और मेरी पत्नी के सामने मेरी इज्जत बनी रहे। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे, मतलब खाली थे, उनके हाथ में भी बिल्कुल पैसे रुपए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा।
तो बोलते अभी तो नहीं है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ और अगर व्यवस्था हो गई तो कल मैं शाम को तुमसे मिल लूंगा और तुमको दे दूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन, कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना। हेकड़ी से हाथ धोना है मतलब हेकड़ी दिखाना, मतलब मैम जितना रॉब वो दिखा रहे थे वो सब खत्म हो जाएगा। जो जितनी इज्जत सब चली जाएगी, सब चली जाएगी। अकड़ दिखाना, हेकड़ी का मतलब होता है अकड़। तो पूरी हेकड़ी चली जाएगी यानी पूरा गुरूर ठंडा हो जाएगा, घमंड टूट जाएगा, जो अब तक रौब से चलते फिरते थे वो सारा रौब अब छोड़ना पड़ेगा उनको। तो अब वो यही सोच रहे थे कि कैसे मैं व्यवस्था कर पाऊं, क्योंकि आज तो अंतिम दिन है और कल वो पैसे लेने आ ही जाएगी। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। डामल फांसी मतलब आजीवन कारावास या देश निकाला, मतलब पूरे समय जेल में तो बंद नहीं कर सकती, उसकी इतनी औकात कहाँ कि वो उनपे हुक्म चलाए या उनको कुछ कहे। केवल जरा सा हंस देगी पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊ बाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके तो ये सारी चिंताएं उनको सता रही थी। बार बार वह यही सोच रहे थे कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वैसा हुआ तो क्या करेंगे, और इसी टेंशन में इसी तनाव में वो छत पर टहलने लगे। तब उनको प्यास लग जाती है और अपनी नौकर को वो आवाज देते हैं कि भाई पानी पिला दो, पर नौकर नहीं था तो पत्नी ही पानी लेकर चल पड़ी। लेकिन छत तक जाते जाते वह लोटा लोटे में तो पानी भर के ले गई लेकिन उसके साथ में ग्लास नहीं लिया। अब ग्लास नहीं लिया तो अब क्या होगा, वह पानी तो जरूर लाई पर ग्लास लाना भूल गए। केवल लोटे में पानी लाई वह लिए वह प्रकट हो गई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। कुछ चीजें घर में हमको बड़ी पसंद होती हैं और कुछ चीजें हमें वैसे ही नहीं अच्छी लगती, लेकिन इस लोटे की खास बात यह थी कि वह बड़ा ही बेढंगा था। बेढंगा मतलब उसकी बनावट भी गलत थी जो लाला झाऊलाल को कभी भी पसंद नहीं आई थी। साथ ही वह बड़ा पुराना था और जगह जगह से पिचका हुआ था, कभी गिरा कभी ठुका तो पिचक सा गया था। उसका शेप जो था बड़ा ही बेढंगा था, वो प्रॉपर शेप में नहीं था, इसलिए उनको उससे बड़ी सख्त नफरत थी। उस लोटे में वो पानी पीना कतई पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब उनकी पत्नी के जब हाथ में उन्होंने यह लोटा देखा और साथ में ग्लास भी नहीं तो उनको गुस्सा तो बहुत आया पर उन्होंने गुस्से को दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया, अब क्या हुआ, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। क्या वाकई अदब मानते थे, अदब मतलब सम्मान करना, क्या वो वाकई अपनी पत्नी का अदब मानते थे? यस मैम। ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा क्यों लगा? जल्दी बताइए ऐसा क्यों लगा, कोई भी बोल सकता है। अपनी पत्नी का अदब मानते मैम, क्योंकि जब उनकी पत्नी ने 250 रुपए मांगे तब उनने डायरेक्ट उनको मना नहीं किया। ठीक है, और कोई? मैम नहीं मानते। ऐसा आपको क्यों लगा? मैम क्योंकि वो अभी उनका इज्जत का सवाल था इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे थे उनसे। बढ़िया, गुड। वो अदब इसीलिए मान रहे थे
कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो पत्नी अभी ही उनको याद दिला देगी कि आज 250 रुपए देने हैं, लाओ मेरे 250 रुपए पकड़ाओ मुझे। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि मैं पत्नी को गुस्सा दिलाऊं ना, नहीं तो हो सकता था पत्नी को झिड़क देते, डांट देते, कुछ कह देते, जिससे पत्नी को समझ में आ जाता कि आज कुछ तो कुछ होने वाला है। तो वो अब लेखक बोलते अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, पत्नी को रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर अभी चू कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब तो बहुत बुरी हालत होगी। अगर मैंने इसको अभी कुछ डांटा, कुछ कहा, तो ये गुस्से में क्या करेगी, शाम का खाना मुझे बाल्टी में परोस देगी। वो बाल्टी में परोसोगी तो क्या हाल होगी, खाया ही नहीं जाएगा खाना, और बाल्टी में खाना परोसा नहीं जाता। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, उनको खूब गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया, अपने गुस्से को शांत कर लिया, नियंत्रित कर लिया। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, मुंडेर मतलब किनारे, उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है उसके पास ही खड़े थे। अब उनके हाथ से कुछ थोड़ा सा पानी पीने के बाद ही लोटा छूट गया और सीधा जमीन पे आकर गिरा। कैसे गिरा उन्होंने पता नहीं। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया है या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो, क्योंकि अगर छत की मुंडेर की तरफ पानी खड़े होकर नहीं पिया जाएगा तो कभी कोई बर्तन छूट भी जाए तो नीचे नहीं गिरेगा। अब उनको बड़ा अफसोस हो रहा था कि काश एक नियम ऐसा भी होता तो कितना अच्छा होता, मैं थोड़ा सा केयरफुल रहता और यह लोटा मेरे हाथ से छूटकर नहीं गिरता। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झावलाल मुश्किल से 2 घूंट पानी पी पाए थे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वो नीचे गली की ओर चल पड़ा, अपने वेग में उल्का को लजाता। उल्का मतलब, उल्का का मतलब मीटियोराइड्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा साइंस में, यूएस में, तो मीटियोराइड्स जो होते हैं ना, या आप देखते हो कि तारे टूटते हैं जैसे शूटिंग स्टार, है ना, कितनी स्पीड होती है उसकी, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो बोलते हैं कि लोटा इतनी तेजी से गिरा जितनी तेजी से उल्का भी नहीं गिरता, बस आंखों से ओझल ही हो गया, तुरंत ऊपर से नीचे बड़ी जल्दी से गिर गया। अब जल्दी से गिरा तो क्या हुआ कि उसी किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी, ढूंढी थी, खोजी थी, क्या, ग्रेविटेशनल पुल। पृथ्वी का आकर्षण है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, क्योंकि लोटा ऊपर से नीचे आया बड़ी तेजी से। क्यों तेजी से आया होगा, एक तो ग्रेविटेशनल पुल था, दूसरा वो थोड़ा भारी भी था, पानी था उसके अंदर, वेरी गुड, पानी भरा हुआ था इसलिए बड़ी तेजी से आया। और गली में एक अंग्रेज जो था उसको भी गाता हुआ उसके पैरों पर चोट कर दी उसने, क्योंकि वो भरा हुआ था, पानी के साथ में गिरा, खाली होता तो शायद कम चोट लगती, पर वजन के कारण पहले तो कुछ पानी उसके सिर पे गिरा, ऊपर से नीचे उसको नहलाता हुआ उसके पैर की ऊंटे पे जाकर लोटा गिर गया, इससे उसको चोट लगी, ठीक है। और उसके बाद सारी कहानी हुई और उसी के बाद पैसों का इंतजाम भी हुआ, इसको आगे
बुधवार को कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले स्पीकिंग टेस्ट को जरूर लूंगी मैं, और उस दिन के बाद ये स्पीकिंग टेस्ट वाला चैप्टर क्लोज। ठीक है, तो जो बच्चे प्लीज प्रिपेयर, जिन्होंने नहीं किया हो अभी भी, एक दिन का दो दिन का टाइम में कर लें। ठीक है, अक्षय आपका भी नाम है, कहाँ गया? फिर अक्षय लेफ्ट हो गया। चलिए ठीक है, शांति इसको पढ़ेंगे तो मजा आएगा, आप खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत सारे इसमें मुहावरे भी हैं, उनके अर्थ भी आप ढूंढ के रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास में उनको प्रैक्टिस में ले सकते हैं, मुहावरों के वाक्य बनाना। चलिए क्लास एंड कर रही हूँ मैं, शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति, साई राम साई राम साई राम साई राम।